फाइव कुर्ता सेट्स अंडर रुपीज 500। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोना एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो एज वी ऑल नो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और तीज। तो उसमें हमें ज़रूरत होने वाली है बहुत सारे प्यारे प्यारे एथनिक वेयर्स की। तो आज मैं आपके लिए एग्जैक्टली वही लेके आई हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कुर्ता सेट हॉल, जो कि होने वाला है 500 के अंदर। एक्चुअली एक सेट है जो 500 के ऊपर है, अराउंड 580 समथिंग का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट कुर्ता सेट ऑफ दिस हॉल इज दिस वन, द वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ। इट्स अ ब्यूटिफुल रेड कलर्ड कुर्ता। ये ना एक दो पीस सेट है और मैंने इसे साइज मीडियम में मंगाया था, क्योंकि इसमें कोई स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं था। एंड ये मुझे पड़ा है ₹380 का। तो इट्स अ टू पीस सेट। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ता। इस कुर्ते में ना सिर्फ ऐसे नेक पे ऐसे डिटेलिंग दे रखी है, सिर्फ आगे से लेकर पूरा नीचे तक ऐसे डिटेलिंग दे रखी है, कमर तक। आप ट्राई ऑन में देख लीजिएगा बाकी का। तो कमर तक डिटेलिंग है, इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड, ऐसे वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है। मुझे नहीं लगता ये हैंडवर्क है, ये मशीन वर्क ही है ऑफकोर्स। एंड इसके अलावा कहीं और कोई डिटेलिंग नहीं है। ये अनारकली स्टाइल कुर्ता है एंड इसमें 3-4 स्लीव दे रखी है। इसका जो मटेरियल है वो रेयन मटेरियल है। एंड इसके नेक में जो इस तरह से आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी नीचे तक ये पूरा प्लेन है, फ्लेयर्ड है। एंड इसके साथ में एक बॉटम्स आती हैं, ऐसे वाइट कलर की बॉटम्स, ये देख सकते हैं। इसमें पूरा इलास्टिकेटेड वेस्ट है, बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। एंड इसके नीचे साइड ना इस तरह का वर्क दे रखा है। आई डोंट नो इसको क्रोशिया वर्क कहते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, पर इस तरह का वर्क दे रखा है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। या सो मोस्ट ऑफ द वाइट बॉटम्स की तरह ना ये सी थ्रू नहीं है, मतलब आप इसमें नॉर्मल जो भी आप इसके अंदर पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। हाँ, ज़्यादा डार्क कलर का पहनेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिखेगा, बट स्टिल इसके ऊपर कुर्ता रहेगा तो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। ये जो कुर्ता है ना, ये पूरे हॉल का सबसे सस्ता कुर्ता है। इसका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। एंड 380 रुपीज़ में टू पीस सेट, इतना कंफर्टेबल और अच्छी क्वालिटी में, मुझे ना इस हॉल का सबसे बेस्ट यही लग रहा है। सो क्या, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरह। ओके, सो हमारा तो नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना, वो उन लोगों के लिए है, स्पेशली जिन लोगों को ना फेस्टिवल्स में थोड़ा सा ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी तैयार होने का शौक होता है ना, होना भी चाहिए ऑफकोर्स, सब मेरी तरह नहीं होते हैं। तो ये है पर्पल कलर का कुर्ता, ये उनके लिए है। सो इट्स अ 3-पीस सेट। ये मैंने साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में ऑर्डर किया था और ये मुझे पड़ा है ₹499 का। इसका जो मटेरियल है ना वो ऐसा आर्टिफिशियल सिल्क जो आता है ना, ये उस तरह का मटेरियल है। मतलब एग्जैक्टली सिल्क तो नहीं है ऑब्वियसली, 499 में कहाँ आपको सिल्क मिलेगा। ओके, तो हमारा जो कुर्ता है ना उसमें इस तरह की नेक पे ऐसे डिज़ाइन दे रखी है, ऐसे आर्टिफिशियल मिरर्स ऐसे स्टिक किए हुए हैं, साथ में से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। सेम एम्ब्रॉयडरी आपको ऐसे स्लीव्स पे भी मिल जाएगी, ऐसे एंड पे। इट्स अ 3/4 स्लीव और ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी मटेरियल है, ऐसा थोड़ा सिल्क की तरह लगता है, हैवी आर्टिफिशियल सिल्क। एंड पीछे से पूरा ब्लैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट कुर्ता है ये पूरा, बाकी आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो बॉटम्स आते हैं ना उसमें से इलास्टिकेटेड डिटेलिंग दे रखी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसे एंड में इस तरह की सेम डिज़ाइन दे रखी है जो कुर्ते के नेक पे दे रखी थी, ऐसे सेम आर्टिफिशियल मिरर और एम्ब्रॉयडरी वाली। और हाँ, इसकी जो बेस्ट पार्ट है, इसमें पॉकेट्स दे रखे हैं, ऐसे दोनों साइड्स इसमें पॉकेट्स दे रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉकेट्स हैं, ऐसे छोटे आर्टिफिशियल पॉकेट्स नहीं है, काफ़ी बड़े पॉकेट्स हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है। एंड यस, इसके साथ एक दुपट्टा भी आता है, ये पिंक कलर का दुपट्टा आता है। कुर्ता और जो बॉटम्स है वो तो पर्पल में है, बट ये दुपट्टा कॉन्ट्रास्टिंग पिंक में है, सी थ्रू है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। और साथ ही साथ ना इसके एंड पे दोनों साइड ऐसे डिटेलिंग दे रखी है, ऐसे लेस की इस तरह के, आप देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ऐसे इस तरह की लेस डिटेलिंग दी रखी है, ऐसे 3 लेसेस लगा रखी हैं इसमें साथ ही साथ। और इस प्राइस में ना ₹499 में ऐसे 3-पीस सेट, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का ना, मुझे इस हॉल का मतलब एक ये वाला कुर्ता और एक सेकेंड वाला कुर्ता मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेकेंड वाला तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फेस्टिव वाइब देता है, और ये वाला मुझे सब प्लेन है, मतलब सिंपल है, इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो या चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये येलो कलर्ड कुर्ता सेट। इट्स अ 2-पीस सेट। इसे मैंने साइज़ मीडियम में मंगाया था, क्योंकि मीडियम इसका स्मॉलेस्ट साइज़ था, और ये मुझे पड़ा है ₹416 का। इसका जो मटेरियल है वो रेयन मटेरियल है, और इसके साथ साथ आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है, नेक पे भी सेम एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दे रखा है। एंड साथ ही साथ इसके जो
पूरा जो कुर्ता है, कुर्ते पे ऐसे डिजाइन दे रखी है, एम्ब्रॉयडरी की है। ये जो पूरा व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना डिजाइन, ये प्रिंटेड नहीं है, थ्रेड वर्क है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको दिखेगा, ये पूरा पूरा थ्रेड वर्क है, पूरे कुर्ते पे दे रखा है, आगे और पीछे दोनों साइड ही पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है। इस ये इट्स अ कॉलर्ड कुर्ता, जिसको मैं ना थोड़ा सा सिंपल पसंद है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेंट कलर हो और सिंपल वाइब हो कुर्ते की ना, तो उनके लिए परफेक्ट है। इसके साथ आती है एक पेंसिल पैंट्स, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं है, नीचे से थोड़ा एक पैंट स्टाइल में है। तो ये जो पैंट आती है ये काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे पहना ना, ये पहनते ही इतना ज़्यादा सी थ्रू था, आप इसके साथ लाइट कलर भी कुछ अंदर पहनेंगे ना तो भी ये दिखेगा, तो इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आपको फिर भी मतलब चाहिए हो या फिर कोई और बॉटम्स के साथ आप पेयर करके पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, बट हाँ इसका जो मटेरियल है बॉटम्स का बहुत ज़्यादा सी थ्रू, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू है। एंड येस, बाकी इसकी फिटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, मतलब कुर्ता भी और बॉटम भी पहनने में बहुत अच्छी फिटिंग है, बट हाँ बस ये इसका जो बॉटम है बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, तो अगर आपको फिर भी पसंद आए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बाय द वे इस पैंट का जो मटेरियल है वो हल्का सा कॉटन और रेयन टाइप का लग रहा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट है, बट इस जस्ट दैट के थोड़ा सा सी थ्रू है। सो या नेक्स्ट कुर्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है ये ब्राउन कलर्ड कुर्ता, इसे ना मैंने साइज स्मॉल में मंगाया था और ये एक टू पीस सेट है, ये मुझे पड़ा था 583 रुपीस का। हाँ ये वही कुर्ता है जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि 500 के थोड़ा सा ऊपर है, ये 583 रुपीस का पड़ा है। इसे प्रिंटेड कुर्ता आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सटल कुर्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा जिन लोगों को एकदम चटाक वाले कलर्स नहीं पसंद आते हैं और बिल्कुल वैसा, तो ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सटल है, प्रिंटेड है पूरा का पूरा, ऐसे यहाँ पे नेक के साइड में इस तरह के से ये दे रखे हैं, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल जो बटन्स होते हैं ना ये वो हैं, ये ओपन नहीं होते हैं। एंड हाँ इसमें ऐसे राउंड नेक दे रखा है एंड इट्स अ 3/4 स्लीव एंड साथ ही साथ ऐसे पॉम पॉम डिटेलिंग है ऐसे स्लीव्स के एंड पे, बाकी सिर्फ स्लीव्स में ऐसे प्रिंटेड है और आगे से ये पूरा का पूरा प्रिंटेड है, पीछे साइड में कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, ऐसे देख सकते हैं आप, बाकी आप ट्राई ऑन में देख लीजिएगा। एंड हाँ ये इसमें जो बाकी नॉर्मल कुर्तों में साइड में कट होता है, इसमें साइड में नहीं है, इसमें ना ऐसे मिडिल में ऐसे स्लिट दे रखा है, ऐसे आई डोंट नो समझ पा रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे मिडिल में स्लिट दे रखा है, ऐसे साइड में कोई स्लिट नहीं है, साइड से स्टेच्ड है। एंड इसकी जो बॉटम्स आती है ना, ये इसकी जो बॉटम्स हैं इसमें ऐसे इलास्टिकेटेड डिटेलिंग है, ये पीछे साइड से इलास्टिक है और आगे से ऐसे पूरा सब प्लेन दे रखा है, इसमें कोई पॉकेट्स नहीं आती हैं सैडली, अगर पॉकेट होते तो काफ़ी अच्छा होता, बट हाँ इसके इसमें कोई पॉकेट्स नहीं आती हैं, ऐसे पूरा स्ट्रेट पैंट है, नीचे कोई भी डिटेलिंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। एंड इसका मटेरियल जो है ना वो कॉटन ब्लेंड मटेरियल दे रखा है, कॉटन ब्लेंड तो इसमें बोला है बट हाँ मुझे उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगता है, मतलब है कॉटन ब्लेंड है बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब मीडियम आप कह सकते हैं। एंड हाँ वन मोर थिंग, इसकी पैंट ना मुझे टाइट आ रही है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा पतली हूँ उसके बावजूद ही मुझे इतनी टाइट आ रही है, मतलब कुर्ता फिटिंग का है, दैट मीन्स मतलब साइज़ तो सही है, मैं साइज़ चार्ट के अकॉर्डिंग ही लिया था, इसका कुर्ता फिटिंग आ रहा है, मुझे पैंट इसकी हल्की से टाइट आ रही है, हाँ मैं घुस तो गई थी बट इसमें हल्की सी टाइट आ रही है, अगर ये थोड़ा सा लूज़ होता ना तो ज़्यादा सही था, इलास्टिक होने के बावजूद ये हल्की सी मुझे टाइट आ रही थी। सो या बाकी आप ट्राई ऑन में देख लिए होंगे आई थिंक, एंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। तो इस हॉल का आखिरी कुर्ता है ये ग्रीन कलर्ड कुर्ता, इट्स अ टू पीस सेट अगेन, और ये अगेन उसमें आर्टिफिशियल सिल्क के जो मटेरियल होता है ये उसमें है। And I got this for ₹499 in the size small. इसका जो कलर है सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, मुझे ना वेबसाइट पे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने इसके रिव्यूज़ भी चेक किए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर हाँ मुझ पे ये कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, आई डोंट नो ये मेरे स्किन टोन की वजह से है या कुछ भी है, बट हाँ ये मेरे मुझ पे तो कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, मतलब एक तो मुझे इतनी वाइब्रेंट चीज़ें पसंद भी नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा वाइब्रेंट आएगा। सो हाँ ये इस तरह के वाइब्रेंट ग्रीन कलर में है, इसमें पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, आप देख सकते हैं ऐसे सामने से फ्लावर और लीव्स काफ़ी ढेर सारी बनी हुई है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है एंड बाकी का ये पूरा प्लेन है, बाकी का पूरा प्लेन है, आगे पीछे दोनों साइड प्लेन है, स्लीव्स पे भी कोई डिटेलिंग नहीं है, 3/4 स्लीव्स है, इसका जो फैब्रिक है वो आर्टिफिशियल सिल्क है, जो सिल्क की तरह ही होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, शाइनी भी है, बट हाँ रियल सिल्क नहीं है ऑब्वियसली। इसके साथ ना एक पैंट आती है ऐसे, इसमें भी पीछे से इलास्टिक डिटेलिंग है और आगे साइड ऐसे प्लेन है, एंड या
इसमें पॉकेट्स हैं। हाँ, इसमें दोनों साइज़ पॉकेट दे रखी हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बट हाँ ठीक है, मीडियम साइज़ पॉकेट हैं। एंड इसका जो पैंट का फिटिंग आया है ना, मुझे हल्का सा लूज़ आ रहा है। इसके लास्ट वाला जो अभी मैंने आपको कुर्ता सेट दिखाया, उसकी जो पैंट थी मुझे हल्की सी टाइट आ रही थी, ये वाली मुझे हल्की सी लूज़ आ रही है। कुर्ते का साइज़ जो मेरे पे आया है, मुझे फिटिंग आ रहा है, बहुत अच्छे से फिटिंग आ रहा है, बट हाँ बस इस जस्ट कि इस पैंट का जो फिटिंग है वो हल्का सा लूज़ है, ऐसा लग रहा था कि बस गिरा ही जा रहा है, कब गिर जाएगा। हाँ बट वो कोई इशू नहीं है, आप घर में ही ऑल्टर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है अगर आपको भी लूज़ आ रहा है इनकेस तो। बस या हाँ, अगर जिन जिन लोगों को ना ऐसे बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब चटाक कलर्स पसंद हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी से तैयार होना पसंद है, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑब्वियसली इसमें पॉकेट्स भी हैं, टू पीस सेट है, एम्ब्रॉयडर्ड है, कलर बहुत प्यारा है, फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो अगर आपको ये पसंद आया, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दीज वर ऑल द कुर्ता सेट्स दैट आई गॉट फॉर यू गाइस, एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you like this video. If you did, don't forget to thumb this video and subscribe down below.